हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है काले चने की बहुत ही चटपटी मसालेदार चाट बनाने की। तो चलिए देख लेते हैं काले चने की चाट बनाने के लिए मैं किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम काले चने लिए थे। इनको मैंने 4 घंटे पानी में भिगोया था। अब इनको मैंने प्रेशर कुक कर लिया है, आधा चम्मच नमक डाल के। अभी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए। एक छोटा प्याज बारीक कट किया हुआ, एक टमाटर बारीक कट किया हुआ, दो उबले हुए आलू, इनको मैंने हाथ से ही फोड़ लिया है, थोड़ा हरा धनिया, इसको भी बारीक कट कर लिया है, 2 चम्मच हरी चटनी, 2 चम्मच मीठी चटनी। हरी चटनी और मीठी चटनी दोनों का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। एक हरी मिर्च बारीक कट की हुई, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक। हम एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे उबले हुए चने, उबला हुआ आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक। हमने चने जब उबाले थे उस समय भी यूज़ किया था, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी से फ्लेवर इसका और भी बढ़ जाता है। अब ऐड करेंगे हरी चटनी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, भुना हुआ जीरा पाउडर, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमने सारे मसाले और चटनी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, ये देखिए चाट हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।